गायत्री कॉलेज सांचूर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बी तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। देखिए, हम पिछले काफी दिनों से गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संबंध में विभिन्न अलग अलग मुद्दों पर अध्ययन कर रहे हैं। आज इस टॉपिक में अंतिम में ये देखेंगे क्या वर्तमान दौर में भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता अर्थात उसका रिलेवेंस बना हुआ है, क्योंकि हम सभी को पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव शीत युद्ध के विरोध में हुआ था, ताकि नव स्वतंत्र तीसरी दुनिया के राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता को सुरक्षित रख सकें और किसी भी अन्य गुट में शक्ति संघर्ष में न फंसे। इस वजह से इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो फाउंडेशन हुआ था, तो क्या जब शीत युद्ध भी खत्म हो चुका है तो इसकी प्रासंगिकता अब भी है क्या? जब तक ये अभी भी चल रहा है, हम देख रहे हैं 2019 में भी इसका सम्मेलन हुआ, तो क्या इसकी प्रासंगिकता अब भी बनी हुई है या नहीं है, इसके संबंध में आज हम अपनी कक्षा में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यूनिवर्सिटी में एग्जाम के फाइनल ईयर में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इस हिसाब से आप इसको अच्छे ढंग से समझना। देखिए, गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में ये बिल्कुल एक स्थायी रूप से धारण कर चुका है। इसमें विशेष रूप से राष्ट्र समाज के छोटे छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता बनाए रखने में इसने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। स्वतंत्रता और समानता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारा के शिविरों के विस्तार को और प्रभाव को संयत करके गुटों के अंदर की स्वतंत्रता को भी शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने संयुक्त संगठन यूएनओ के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में, जैसे कि उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने में, प्रजातीय समता को साकार करने में, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा इसने योगदान दिया। देखते हैं हम कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दो देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। आप समझिए, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसके दो सदस्य आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति उपनिषद का अंत, परमाणु शस्त्रों पर रोक, निःशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति के क्षेत्र घोषित करना, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्रवाई की और सफलता हासिल भी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि केवल अपन उसको शीत युद्ध के दायरे में बांध कर बात करें गलत होगा। वर्तमान समय में जो भी चुनौतियां हमारे सामने, जो भी समस्या उभर कर सामने आ रही है, उनके लिए गुटनिरपेक्ष एक बहुत बड़ा सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कभी भी शक्ति संघर्ष को, विषम अशांति के काम को बढ़ावा नहीं दिया, बिल्कुल विश्व शांति की बात हमेशा की है। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समाधान शांतिपूर्ण ढूंढने में हमेशा पक्ष धर रहा है, इसका समर्थन किया। यह उपनिषद के अंत का जबरदस्त समर्थन करता है कि उपनिषद का अंत किया जाए। परमाणु शस्त्रों, शस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण पर सबसे ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित, यही नहीं, हिंद महासागर जो आज के लिए शक्ति का संघर्ष बनता जा रहा है और विश्व का अशांति का क्षेत्र बनता जा रहा है, इसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर गुटनिरपेक्ष देशों ने आवाज उठाई है, इसे शांति के क्षेत्र घोषित करें और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण पर भी इन्होंने संगठित रूप से मिलकर एक कार्रवाई की है। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी है, समय के साथ इसने बदला है और समय के साथ जो चुनौतियां पैदा हुई है उनका सामना करने में एक सक्षम और मजबूत और सशक्त एक आंदोलन के एक संगठन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब देखो, यह भी प्रश्न किया जाता है कि आज गुटनिरपेक्षता का औचित्य क्या रह गया। अब कुछ लोग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि जब भाई जिसकी फाउंडेशन कोल्ड वॉर के अगेंस्ट में हुई थी, कोल्ड वॉर अब खत्म है तो गुटनिरपेक्ष क्यों बना रहे, इसका कोई औचित्य नहीं। गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में तो थी, किंतु पिछले 15-20 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। मसलन अपन देखते हैं कि शीत युद्ध भी खत्म हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है,
पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद को कब्र में दफनाया जा चुका है। वार्सा पैक्ट भंग हो गया, नाटो की भूमिका में परिवर्तन आ गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, सभी प्रमुख शक्तियों के मध्य एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो गए, जो पहले कभी जमाने में किसी के कट्टर शत्रु थे आज अच्छे मित्र हैं। अमेरिका और रूस मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन कर रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर रहे हैं आपस में। अमेरिका और चीन के मध्य आज $300 अरब से भी ज़्यादा व्यापार है। रूस वर्तमान समय में पश्चिमी यूरोप, चीन, जापान के लिए ऊर्जा का प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर किसके खिलाफ बुडापेस्ट देशों अपनी बुडापेस्टता प्रदर्शित करेंगे। स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ समय बदलाव आ गया। जिस उद्देश्य के लिए, जिस ध्येय के लिए ये जो संगठन स्थापित हुआ था वो उद्देश्य खत्म हो गया। तो अब ये अपनी जो बुडापेस्टता किसको प्रदर्शित करेंगे, किसको बताना चाहते हैं? बुडापेस्टता का उद्देश्य युद्ध के संदर्भ में आपको पता ही है। आज शीत युद्ध के अंत हो जाने के कारण बुडापेस्ट आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। निर्गुट आंदोलन के 8वें सम्मेलन के जिम्बाब्वे की राजधानी हारारे में लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आंदोलन को क्या कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन किसको कहा? बुडापेस्ट आंदोलन। और पूछा था कि जब अमेरिका ने उनके देश पर हवाई हमला करके सपरिवार जान से मार देने की कोशिश की, तब ये बुडापेस्ट आंदोलन कहाँ था, क्या कर रहा था? इसलिए मैं समझता हूं कि अब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान रखना, ये आलोचकों की बात है और ये जो कथन है ये कर्नल गद्दाफी का था, ठीक है। दूसरा, फरवरी 1992 में बुडापेस्ट राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट रूप से अपील की थी इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, समाप्त कर दो। उनका तर्क यह था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत बूथ और शीत युद्ध की समाप्ति बाद बुडापेस्ट आंदोलन की आज प्रासंगिकता बिल्कुल समाप्त हो गई है। जो जरूरतें थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनका अस्तित्व ही नहीं रहा है, तो फिर ये बुडापेस्ट का झंडा लेके क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या मतलब है? इसलिए मिस्र ने भी इसका विरोध किया, ठीक है। इस प्रकार से उनका जो कहना यह था कि बड़ी संख्या में बुडापेस्ट, अब देखो ये मिस्र ने जो अपना विचार प्रकट किया, अब इसका बहुत से विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया। उनका कहना था कि भाई अभी भी बहुत बड़ी संख्या में बुडापेस्ट देश गरीब है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, और समृद्ध राष्ट्र तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद के तौर पर उनका शोषण कर रहे हैं। इस स्थिति से उन्हें बचाने के लिए जरूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए। विदेश मंत्री ने कहा है कि आप ऐसा मत समझिए कि तात्कालिक उद्देश्य खत्म हो गया है तो अब इसको खत्म कर दिया जाए, नहीं। आज भी हमारे तीसरी दुनिया के देशों की कुछ समस्याएं हैं, उनकी तरफ तो ध्यान केंद्रित करिए। आप केवल अमेरिका के पीछे, केवल शीत युद्ध के पीछे, केवल नाटो और वार्सा के पीछे बढ़े हो, मकसद क्या था? पहले हम उससे भी दूर थे और आज हम उनसे नजदीक गए कि वो स्थिति होगी चेंज। स्थितियाँ उनकी चेंज हुई, हमारी नहीं है। हम आज भी गरीबी से लड़ रहे हैं, आज भी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज भी हमारा बहुराष्ट्रीय जो निगम है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो नव उपनिवेशवाद ग्लोबलाइजेशन को लेकर हमारे यहाँ घुस रही है और हमारी सरकार, हमारे लोकतंत्र, हमारे समाज को अस्थिर कर रही है। उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करो ना। अरे लड़ना है तो गरीबी से लड़ो, अशिक्षा से लड़ो, बीमारी से लड़ो। आज भी तीसरी दुनिया के देश बहुत ही बदतर हालात में जी रहे हैं, उसकी तरफ जाओ ना। मकसद थोड़ी है कि हम किसी के सामने खड़े हो गए शीत युद्ध के सामने। शीत युद्ध एक समस्या थी, वो चली गई। अब हमारी जो समस्या है उनकी तरफ, बुडापेस्ट का मतलब ये है कि हम हमारी साझी समस्याओं को साझे मिलकर काम करें, ठीक है। इसलिए काफी इस मिस्र के इस कथन का बहुत बड़ा जबरदस्त तरीके से विरोध किया। इसलिए इस बात पर बल दिया कि जरूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए, विकासशील देशों के आपसी सहयोग सुदृढ़ और सक्रिय किए जाएं। इसके लिए निर्गुट आंदोलन को एक अपरिहार्य मंच का काम करेगा और एक मजबूत सशक्त मंच के रूप में उभरेगा। आतंकवाद, पूर्ण निशस्त्रीकरण की समस्या के साथ आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण के दौर से गुजरी विश्व आर्थिक नीति, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बढ़ते वर्चस्व के कारण विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के समाधान का मुद्दा काफी जटिल होता जा रहा है। इसकी तरफ भी हमें ध्यान केंद्रित करना होगा।
अतः संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, भूमिका निभा सकता है। निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका निभा सकता है और इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्ति तीसरी दुनिया के देशों के लिए घातक हथियारों का जमावड़ा न करे। अब देखो, अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आज के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका पहले की तुलना में बहुत काफी विस्तृत हो गई है, बहुत व्यापक हो गई है। आज दुनिया में ये भूमिका निभानी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, नाम को, कि जो तीसरी दुनिया है वो इन महाशक्तियों से दूर रहकर और जो जिस प्रकार से ये महाशक्तियां हस्तक्षेप करके तीसरी दुनिया के देशों को इस प्रकार का काल्पनिक भय और डर और भ्रम पैदा करके जो हथियारों का जमावड़ा कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए इसका विरोध करना भी इनका एक महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, 1993 में आंदोलन का सदस्य बनने के लिए प्राप्त ने अनुमत आवेदनों से स्पष्ट है कि सार्वभौम कार्यों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता बनी हुई है और महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको आप कम नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभरकर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे। इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों को बहुत बड़ा खतरा पहुंचेगा। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G77 को एक होकर कार्य करना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी प्रासंगिकता तो स्पष्ट करने वाला मुख्य तथ्य ये कि 20वीं सदी में देश आपस में अपनी राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए लड़े, युद्ध हुए, लेकिन 21वीं सदी होगी उसकी लड़ाई केवल आर्थिक युद्ध होगी। आर्थिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए ये देश काम करेंगे और समृद्ध राष्ट्रों के जो गुट हैं वो स्वयं आपस में अलग अलग आर्थिक गुट के रूप में उभर कर प्रतिस्पर्धा करेंगे। इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा संसाधनों, ज़्यादा अपने कच्चे सामग्री के लिए विकासशील राष्ट्रों में हस्तक्षेप करेंगे और उनकी स्वतंत्रता हितों को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि हमारे जो उत्तर और दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के जो देश हैं, इन देशों को आपस में मिलकर एक डायलॉग, एक संवाद कायम करना पड़ेगा और जो दक्षिण दक्षिण सहयोग मतलब दक्षिणी गोलार्ध के जो जितने भी देश हैं, जो मतलब आप अफ्रीकी महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप हैं, कुछ एशियाई राष्ट्र हैं, इन सभी दक्षिण दक्षिणी मतलब गोलार्ध में स्थित सभी राष्ट्रों को आपस में दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए एक होना पड़ेगा और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपने अनुकूल बनाने के लिए इनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G77 के साथ रहकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। आखिर इनको सबके लिए हमें एक होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा। इसलिए समझ सकते हैं कि आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। किसके आधार पर, एक एक स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहले है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना, क्योंकि वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी हुई है वो विकसित राष्ट्रों के अनुकूल है, विकसित राष्ट्रों के हितों के अनुकूल है और हमारी जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं उनके हितों के प्रतिकूल है। IMF है, WTO है या और भी जो भी वैश्विक संस्था बनी हुई है, सब कुछ विकसित राष्ट्र अपने हितों के विषयों का संचालन कर रहे हैं। अब इसमें हमारी जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, इनका किसी प्रकार का कोई भला नहीं हो रहा है और इनके हितों पे बहुत बड़ा कुठार लगाने लगते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो और तीसरी दुनिया की उसमें भी पहुँच हो, उसमें भी उनकी भूमिका हो। ठीक है, इसलिए ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित किया जाए। दूसरी प्रासंगिकता देखें तो परमाणु शस्त्र, आणविक निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव करना। तीसरी दुनिया के देश ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि भाई दुनिया में परमाणु शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। वो कहते हैं कि ये सहारक है, ये पूरे विश्व को खत्म कर देंगे, पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा है और जिस प्रकार से जो समस्या उभर रही है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और जो विकसित राष्ट्रों के द्वारा आपस में इन तीसरी दुनिया के गरीब राष्ट्रों को, अविकसित राष्ट्रों को एक प्रकार सा डर और भय पैदा करके शस्त्रों का जो निर्माण कर रहे हैं, शस्त्रीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये बिल्कुल शांति के लिए उपयुक्त कदम नहीं है, अशांति का द्योतक है। इसलिए कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम
हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए और इन परमाणु और खतरनाक रासायनिक हथियारों को नियंत्रित करें और इसको निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ावा देने की ओर प्रयत्न करेंगे। तीसरा है इसकी प्रासंगिकता, इस कारण वजह से भी प्रासंगिकता बनी हुई है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। जब ये पता है कि अफ्रीका के, दक्षिण अमेरिका के और एशिया के राष्ट्र, तीसरी दुनिया के राष्ट्र सभी उपनिवेशवाद गुलामी सहे हुए, लंबे अरसे से उनका शोषण हुआ है, उन पर अत्याचार हुआ है, आज देखा जाए तो एक प्रकार की सबकी एक समान समस्या दिख रही है, सभी गरीब हैं, सभी निर्धन, सभी के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं की कमी है, तो क्यों ना आप उसमें एक दूसरे का सहयोग करके अपने आप को सक्षम मजबूत बनाएं। इसलिए दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सबसे ज्यादा बल देने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। और यही नहीं, अपन देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति पास दुनिया में जो एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में अमेरिका उभरा, अमेरिका की जो दादागिरी स्थापित हुई, इस दादागिरी का विरोध करना भी जरूरी है। और ये विरोध तब कर सकते हैं जब हम सभी राष्ट्र, तीसरी दुनिया के राष्ट्र गुटनिरपेक्ष देशों के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाएंगे, तो उसको लगेगा कि दुनिया में 120 देशों की आवाज़ है, मैं इसको अनसुना नहीं कर सकता हूं, तो काफ़ी अपने हितों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और ये मंच प्रदान करता है किसी दुनिया में किसी व्यक्ति की, किसी देश की जो दादागिरी होती है उसको एक सीमित दायरे में लाया जाए। दूसरा, ये मंच ऐसा भी है जो विकसित और विकासशील यानी उत्तर और दक्षिण संवाद के लिए सार्थक वार्ता के लिए दबाव बनाने का काम भी कर सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है जो ये स्पष्ट कर सकता है कि दुनिया में जिस प्रकार से उत्तर और दक्षिण विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य जो खाई है, इस खाई को पाटने के लिए आपस में एक दूसरे का सहयोग और सार्थक सहयोग करने के लिए भी ये काम कर सकता है। अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देश जैसे ओपेक राष्ट्र जो तेल उत्पादक राज्य हैं, उस बात के लिए तैयार करना, वे अपना अधिशेष पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा करने के बजाय विकासशील देशों के विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें ताकि उनको अच्छा पैसा भी मिल सके और उनका विकास भी हो सके। अब जितना जो भी पैसा आता है आप वेस्टर्न कंट्रीज में डालते हो तो इससे उनका ही मुनाफा बढ़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि तीसरी दुनिया के देशों को भी, तीसरी दुनिया के देशों पर पैसा खर्च किया जाए तो और भी बेहतर रहता है। नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाए, जो जिस प्रकार से नवीन तरीके से ग्लोबलाइजेशन की आड़ में वैश्वीकरण की भूमिका जो दिखती जा रही है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों कच्चे माल की आपूर्ति के लिए पुनः ये बहुराष्ट्रीय निगम के तहत ये किसी तीसरी दुनिया के देश में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से एक प्रकार का नव शोषण का रूप दिखाई देता है। इसका भी शोषण किया, इसका भी विरोध किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुनर्गठन के लिए सबसे जबरदस्त तरीके से दबाव डाला जाए। इसका लंबे समय से मांग चल रही है कि इसका पुनर्गठन किया जाए ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सके और उनको जो वीटो मिला, अधिकार मिला हुआ है, तो वीटो परिषद की सदस्यता में एक प्रकार की बढ़ोतरी हो और महासभा को और भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जा सके ताकि ये व्यवस्था और भी व्यवहारिक और लोकतांत्रिक बनी रहे। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि विकासशील देशों के आपसी सहयोग बढ़ावा देने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक तो नहीं रह पाएगा, विशेषकर ऐसे ही जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसे इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं रह गया है। इसलिए अगर हम सब मिलकर, सभी राज्य मिलकर एक साथ सहयोग करेंगे तो संभव है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत ही हमारी साझी समस्याओं के लिए, चुनौतियों के लिए अच्छे ढंग से समाधान कर पाएगा। निष्कर्ष तौर पर यह कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्र विदेश नीति का सिद्धांत देकर नवोदित देशों को एक मंच उपलब्ध कराकर सैनिक टकराव की दिशा में संभावित व्यापक रुझान को रोकती है, शीत युद्ध का तनाव कम करना, शांति स्थापना की दिशा में प्रोत्साहन दिया, आपसी विचार विमर्श द्वारा समझा बुझाकर जोरदार प्रचार करके आंदोलन ने उपनिवेशवाद उन्मूलन की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान की। 1960 के बाद ये महसूस किया कि राजनीतिक उपनिवेशवाद का तो उन्मूलन हो रहा है लेकिन नव स्वाधीन राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है और औद्योगिक देशों पर निर्भर हैं, जिससे लगता है कि निर्धन देशों पर धनी देशों की चौधराहट बहुत जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। अतः नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की मांग किए जाने लगी। अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता की ये विषय आर्थिक समस्या और पर्यावरण प्रदूषण रोकने की समस्या रह गई। लुसाका और अल्जीरिया सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रस्ताव रखकर
आंदोलन ने अब विश्व में प्रदूषण की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। इससे सिद्ध होता है कि गुटपेक्स आंदोलन शांतिपूर्ण समतावादी विश्व व्यवस्था स्थापित करके विकासशील देशों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के प्रयासों में निरंतर प्रयास कर रहा है। आप देखते हैं कि बाली इंडोनेशिया में गुटपेक्स आंदोलन का समन्वय ब्यूरो की बैठक जो 1992 में हुई, मैं सदस्य देशों ने आशंका व्यक्त की थी कि पूर्व पश्चिम टकराव की समाप्ति से उत्तर दक्षिण टकराव शुरू हो सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति की परिणति उत्तर दक्षिण टकराव में हो सकती थी, अतः बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटपेक्स आंदोलन की प्रासंगिकता और भी बढ़ रही है। गुटपेक्स आंदोलन को संस्था के रूप में धारण किए काफी समय बीत चुका है। इसकी सदस्य संख्या भी 120 तक पहुंच गई है। ये इस बात का सूचक है कि इस आंदोलन का बल और प्रभाव बढ़ता रहा है, मगर इस विस्तार में उसे जो कमजोरियां भी आई हैं इससे भी उसकी सामूहिक एकता में कमी आई है और परिणामस्वरूप इसके निर्णयों और घोषणाओं का नैतिक राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय उसके साथ निकट से जुड़े हुए हमारे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का मत है कि इस आंदोलन के लिए ये जरूरी हो गया है कि ये विश्व को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारें। आंदोलन द्वारा किए जा रहे विचार विमर्श में नैतिक मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देने लगा है। जिनेवा में अगस्त 1996 के सीटीबीटी प्रारूप पर भारत का साथ देने वाला एक भी गुटनिरपेक्ष देश नहीं था। अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र आदि प्रमुख देशों ने भारत का समर्थन देने के बजाय अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ दिया, जिससे विकसित देशों को स्पष्ट पता लग चुका है कि गुटनिरपेक्ष देशों में एकता अब नहीं है। प्रासंगिक बने रहने के बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने महत्व और प्रभावी होने की क्षमता का धीरे धीरे जो अपनी कैपेसिटी है उसको खोता जा रहा है, जिसे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। शिखर सम्मेलन को अब पहले की तरह गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से की जा सकती है कि कार्टागेना सम्मेलन में केवल 43 राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष सम्मिलित हुए। शिखर सम्मेलन में यह भी देखने को मिलता है कि सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्ष है तथा उसका पुरजोर विरोध करने के स्थान पर समझौते की भाषा में बात करता है। सदस्य राष्ट्रों की इस अमेरिकी परिस्थिति के चलते अमेरिका के ऊपर अंकुश के रूप में नाम की भूमिका बहुत सीमित हो गई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थायी तत्व है और राष्ट्र के अस्तित्व की भांति इसका अस्तित्व और प्रासंगिकता निरंतर बनी रहेगी। इसका मूल कारण यह है कि गुटनिरपेक्षता का संबंध विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता, उसको अक्षुण बनाए रखने की आवश्यकता और विकास से है, न कि शीत युद्ध उसकी समाप्ति या गुटबद्धता से। अतः संक्षेप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन मुख्यतः 5 जो डी से है, मतलब वी उपनिवेशीकरण, बी कॉलोनियलिज्म, डेवलपमेंट, तनाव शैथिल्य देतांत और निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्ममेंट और लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, तो इनसे मुख्य आधार बनाते हुए ये आज भी प्रासंगिक बना है और बना रहेगा।